नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन। खबर रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश आयुर्वेद छात्र संगठन रीवा ने शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर समान कार्य समान वेतन, रोजगार के अवसर, आयुर्वेद छात्रों की उपेक्षा बंद करने जैसे मुद्दों पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं संबंधित विभागों तक अग्रेषित कर दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं आयुर्वेदिक छात्र संगठन के पदाधिकारी ने क्या कुछ जानकारी दी है। आइए बात करते हैं हमारे रीवा संभाग ब्यूनरो से और जानते हैं पूरी घटना के बारे में। जी माननीय इंडिया न्यूज 28 के समस्त व्यूअर्स को रीवा संभागीय ब्यूरो राजीव तिवारी की ओर से सादर प्रणाम करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा में एक बार फिर से बगावत के स्वर उठे हैं। जैसे आप रोज देखते हैं रीवा में नई नई हड़तालें हो रही हैं, नए नए बगावत के स्वर दिख रहे हैं। उसी प्रकार से उसी तर्ज में शासकीय आयुर्वेद विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर बगावत का स्वर उठाया है। उनकी मांगे हैं कि उनका एग्ज़ाम टाइमली नहीं होता, प्रशासन द्वारा रख रखाव की व्यवस्था नहीं की जाती, और भी कई तरह की मांगों को लेकर आयुर्वेद भवन के छात्रों ने हड़ताल की है। छात्रों की हड़ताल का ये असर हो रहा है कि ओपीडी पूरी तरह से बंद है, और दुनिया में कहीं भी किसी भी विभाग में किसी भी प्रकार की हड़ताल होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या तो पब्लिक को ही होती है, जनता को होती है। जनता परेशान है। आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों के द्वारा हड़ताल की गई है, जिससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। खासतौर पर बुजुर्गों का इलाज तो आयुर्वेद में ही सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर हड़ताल की वजह से आम जन को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ के जो मुख्य छात्र नेता हैं, कशिश जी से बात करते हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 दिनों से उन्होंने हड़ताल की है। पहले तो उन्होंने स्वच्छता अभियान किया, उसके बाद पुष्प वितरण का कार्यक्रम किया है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रीवा ज़िले में बगावत के स्वर तगड़े हो रहे हैं। आए दिन नई नई हड़तालें हो रही हैं, नई नई बातों को लेकर पब्लिक सामने आ रही है। मेरा नाम कौशिकी अग्रवाल है। मैं 2018 बैच शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय की छात्रा हूँ। हम आज से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल, इस दिन इसके पहले 3 दिन हम लोग शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर चुके हैं सरकार के खिलाफ, जिसमें हम लोग पहले दिन जो है हम लोगों ने स्वच्छता अभियान किया था, दूसरे दिन पुष्प वितरण एवं तीसरे दिन हम लोगों ने दीप प्रज्वलन किया था। आज से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने शुरू की है। जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हमारी पहली मांग ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रॉपर टाइम पे नहीं होते हैं। हमारी जो समय सारणी है वो MPMSU हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम टेबल जारी तो करती है पर अपरिहार्य कारणों को बताते हुए उन्हें कैंसिल करा देती है, जिसकी वजह से जैसे हमारा 2018 बैच 14 महीने लेट है, 2019 बैच जो है 19 महीने और 2020 बैच जो है वो 6 महीने लेट हो चुका है। इसलिए जिससे हमारी 5.5 साल की डिग्री जो है वो 7-7.5 साल में कंप्लीट होती हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स है वो जल्द से जल्द कराए जाए और जो आने वाले हमारे सत्र हैं उनका एक एकेडमिक कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे कि उनको पता रहे पहले से कि उनकी परीक्षा कब होनी है। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमें CPI से लिंक किया जाए, जिस तरह MBBS BDS के छात्रों को लिंक किया गया, जिससे जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़े वैसे वैसे हमारा स्टाइपेंड हर साल बढ़ता है। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जो हमारी PSC है आयुर्वेद PSC वो 10 साल में एक निकलती है। लास्ट टाइम 2013 में निकली थी, अब फिर 2023 में निकली 10 साल बाद। तो जिस इतना बार बार गैप हो इतना ज़्यादा गैप होने के कारण जो है हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो हम चाहते हैं कि आयुर्वेद में नवीन पदों का सृजन हो, जैसे वन विभाग में, जेल विभाग में, जिसके कारण हम बेरोजगार ना रहें। और हमारी चौथी मांग ये है कि जो हमारी PG स्कॉलर्स हैं उनके लिए मेडिकल लीव का प्रावधान किया जाए। वहाँ से हमने ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदया को सौंपा है,
और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वो हमारा ज्ञापन आगे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, महामहिम राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री जी तथा संबंधित विभागों में हमारा जो ज्ञापन है वो अग्रेषित किया जाएगा। और यह भी हमारा प्रयास है, एक और जहां हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री आयुर्वेद के प्रति इतने सजग हैं, सचेत हैं, और वहीं दूसरी ओर हमें अनदेखा किया जा रहा है, तो आवाज किस प्रकार से शासन प्रशासन के भवनों, उनकी अट्टालिकाओं तक नहीं पहुंच पा रही है, उसके लिए हमें विवश होकर यह माध्यम अपनाना पड़ा है कि इस माध्यम से। और आप क्योंकि मीडिया जो है पत्र, इसके पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया? जी बिल्कुल, पहले भी धरना प्रदर्शन, उस समय भी आश्वासन मिला था लेकिन कुछ सटीक समाधान हमें प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए पुनः ये स्थिति वापस आई। और अब कि मीडिया पत्रकारिता लोकतंत्र के स्तंभ हैं, तो आपके माध्यम से हम सब लोग अपनी आवाज शासन प्रशासन की अट्टालिकाओं तक हमारी ध्वनि पहुंचे, ऐसा प्रयास है। अनिश्चितकालीन यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और फिर अगर अभी इसी में कुछ नहीं हो पाता है तो आगे फिर हम भूख हड़ताल की ओर बढ़ने को